नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई हो बहुत ही बढ़िया होंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। जैसा कि आप लोग को पता है, मैं आई थी मामी के यहाँ, सो सुबह का टाइम है और हम लोग निकल रहे हैं घर। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। खाने को मिला ये शेरवानी, एयरबड्स मुझे मिला, तेरे को नहीं मिला है। हम लोग माँ बेटे को गिफ्ट मिला है और हम लोग अभी चल रहे घर के लिए, क्योंकि दोपहर की हमारी ट्रेन 1 बजे की, तो फटाफट से चलते हैं। आप लोग को अहमदाबाद में जाके ले, मामी मेरी रेडी हो गई है भाभी। हाँ भाई मिला लो, ये देखो मामी रेडी रेडी होकर जा रही मीटिंग में। सो फ्रेंड्स, हम सब घर से निकल चुके थे। यहाँ हम पहुँच गए थे सलवन मार्केट, जो कि हमको करनी थी थोड़ी सी शॉपिंग, जिससे कि आप लोगों को पता ही है कि अगर हम कहीं जाए और शॉपिंग ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे मैं खाना के लिए ले रही थी एक स्वेटर, मम्मी को भी लेना था कुछ सामान। तो बस चलते हैं, मिलते हैं घर पर आप लोग को। और घर पर मिल ही नहीं पाए क्योंकि घर पर बहुत सारे काम थे। सो अब हम लोग जा रहे हैं बस स्टॉप, क्योंकि हमें बस से जाना है लखनऊ। तो पहले हम सेल वाले जो गांव में चलते हैं ना, सेल वाले ऑटो रिक्शे, जो बहुत ही मज़ा आती है इन पे बैठ के, और क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ होती नहीं, बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है इस पे बैठ के। सो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, अभी बस स्टैंड जाएंगे। और राम कर रहा है कान्हा को परेशान, कान्हा मस्त सो रहा है। सो हमारी ट्रेन है, मेरी ट्रेन है 9 बजे की, मम्मी की है 11 बजे रात की, बट हम लोग यहाँ से निकलते 2-2.5 बजे, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि ट्रैफिक हो जाता है, इसलिए बहुत टाइम हो जाता है वहाँ पहुँचने में इसके लिए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं बस स्टैंड, और हमारी किस्मत ना बहुत ही अच्छी थी इस बार, क्योंकि हमने जैसे ही हम चौराहे पर नहीं, हमने तो जो रिक्शा किया था वो घर से ही किया था बुक, और हम जैसे ही बस स्टैंड पे पहुंचे और डायरेक्ट बस लगी हुई थी, बिल्कुल निकलने ही वाली थी। सो हम ही सब बैठे, मतलब हम सभी बैठे, और बस पूरी खचाखच भरी हुई थी। सो डायरेक्ट हमको लखनऊ के लिए मिल गई और हम बहुत खुश हो गए, क्योंकि यहाँ से रायबरेली जाओ, रायबरेली में चेंज करो, फिर सामान धरो उठाओ, बहुत दिक्कत होती है। और मुझे तो बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझे आते हैं चक्कर, तो मैं बहुत दिक्कत होती मुझे बस में, मेरे प्राण ना बस इतने में ही निकलते। मुझे यहाँ से लखनऊ जाने बहुत खलता है, क्योंकि मुझे मैं इंजॉय नहीं कर पाती, बट इस बार बहुत ही अच्छा हुआ। इस बार मुझे आते टाइम भी चक्कर नहीं आया और जाते टाइम भी मैं फुल इंजॉय करके ही गई, नहीं तो इस हमेशा ना बस मैं आँख बंद करके लेटी रहती थी और मैं स्टेशन पहुँच जाती थी, ऐसा होता था मेरे साथ। तो फाइनली फ्रेंड्स पहुँच चुके हैं स्टेशन, अब उतर रहे हैं बस से। सो रात के भी लगभग 7 बज रहे थे, हाँ पहुँच चुके हम चारबाग, यानी कि लखनऊ चारबाग बस स्टैंड, और हम पहुँच गए यहाँ पे लखनऊ स्टेशन। 4 दिन पहले यहाँ से गए थे, फिर यहीं पे आ गए। सो चाहे वहाँ से घर जाओ तो भी बहुत ही खुशी वाली फीलिंग होती है, और जब तक यहाँ से मायके से आप निकलो तो थोड़ा सा दुख होता है, बट जब आप रास्ते में पहुँचे तो फटाफट से अपने घर पहुँच जाएँ। तो ये रहा लखनऊ स्टेशन, जो रात में बहुत ही और भी प्यारा लगता है, सुंदर लगता है देखने में। सो उसके बाद हम लोग गए, हमने सामान वामान रखा, सब कुछ अरेंज किया, सब साथ में बैठे थे, और हमको दिख गई एक टॉप की दुकान, जो कि अंदर ही थी, स्टेशन पे ही न्यू थी, क्योंकि हम जब वहाँ से अहमदाबाद से आए थे तब नई थी, जाते टाइम मिल गई। तो हमने फटाफट से 3 सूट हमने लिए। सो कौन से लिए आप लोग को घर चल के दिखाते हैं, हमने कौन से सूट, हालांकि हम लोग को डांट पड़ी, बट कोई बात नहीं, हमने ले लिया। देखेंगे ना, खून पियेंगे स्टेशन पर भी कपड़ा। स्टेशन पर भी हम लोग एक एक टॉप ले लिया उधर खड़े। तो उसके बाद सब लोग ने, मतलब हम सब ने बोला कि अभी थोड़ा बहुत चाय नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि चाय वाय पी लेते हैं, क्योंकि स्टेशन की चाय तो पीने मज़ा आती नहीं। अभी ट्रेन आने में 2 घंटे हैं, तो हम लोग बाहर जाके चाय नाश्ता करके आते, नहीं तो फिर ट्रेन की ही चाय जो बहुत ही बेकार लगती है। सो हम चारों गए थे, मम्मी पापा बैठे थे स्टेशन पर, सामान वामान देख रहे थे, और हम चारों निकल गए थे चाय नाश्ता करने। और रात का टाइम था, रात का टाइम तो है ही, बट ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे कान्हू को पैदल चलने का शौक़ था, तो वो महाशय चल रहे हैं पैदल पैदल। फिर हम पहुँचे, सबसे पहले हमने खाई चाट पापड़ी, उसके बाद हमने खाए समोसे, थोड़ी बहुत वीडियो रिकॉर्ड हुई है, और थोड़ी बहुत ये भी हस्बैंड जी ने कर दिया था, नहीं तो ये हो ही नहीं पाता, क्योंकि बच्चे भी बहुत परेशान कर रहे थे। तो यहाँ पे इनको खाना था चाट, इनको पता नहीं था टेस्ट कैसा, बस इनको देख के सब कुछ चाहिए था। तो यहाँ पे मैंने और निशा ने चाट खाया, भैया गया तो कुछ दूसरा चीज़ लेने, सब अपने अपने पसंद के सब कुछ खा रहे थे। खा पी के फिर हम जाएंगे स्टेशन, और हमारी ट्रेन 9 बजे की है, और यहाँ से मुझे दिल्ली, फिर दिल्ली मुझे वापस चेंज करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मगजमारी वाला काम है, लेकिन देखते हैं कैसी होती है हमारी जर्नी। फिर हम आ गए स्टेशन पे वापस, मम्मी और पापा के लिए नाश्ता लेके, जो कि कानों का भी रिएक्शन आप लोग देखना, उसको लगा मेरे लिए कानों के लिए बिस्किट और ये नमकीन ये सब लेके हम आए, और यहाँ पे सब लोग करेंगे नाश्ता, वो उसका देखो मुंह खुल गया डब्बा जैसा, उसको है खाना। सो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप सच में वीडियो पे पहली बार ये मेरे, तो प्लीज़ वीडियो को मेरे लाइक ज़रूर कर देना, एक लाइक करने में क्या जाता है यार, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।
बहू भागिया हो नहीं, हम लोग क्या करेंगे, भागियो भागियो भागियो। ये बता रही है, ये कौन कौन बिस्किट अभी भुजिया अभी नहीं खोलेंगे उसको ले। ये हमारे घर के नालायक बच्चे सब प्लेट वापस भर रहा है उसको, देखो प्लेट खाली करके उठा उठा नीचे से खा रहे हैं। राम राम अच्छा लगा नीचे वाला ना, अपने अपने गोद में सब भरे हैं, क्या कराई ट्रेन आएगी 9 बजे और हम लोग की ट्रेन आएगी 11 बजे। उसमें क्या ढक्कन होगा आपके पास? पीने जा रही थी मैं भी। अच्छा ले छः बंद आप तो क्या है ना कलवा। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ अपने जहाँ प्लेटफॉर्म पे जहाँ आने वाली थी मेरी ट्रेन, क्योंकि रात के 9 बज चुके थे, 9 बजे ही हमारी ट्रेन थी। सो मम्मी लोग हैं स्टेशन पे अभी, वहाँ पे हमारी ट्रेन इसके बाद आने वाली थी। मम्मी लोग की 9 बजे की, तो वो लोग आराम से आएंगे। और ट्रेन में आप लोग भीड़ देख रहे हो, खचाखच एकदम से भरी थी ट्रेन, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी जैसे लग रहा था कि चालू डिब्बा इस तरीके का हो गया था। सो मतलब बहुत ज़्यादा वो लग रहा था कि इतनी भीड़, एक बार सीट पे चढ़ के दोबारा उतरने का मौका ही नहीं मिला कि आप नीचे खिड़की बैठ सको देख सको। कानू बिल्कुल रो भी रहा था खूब, लेकिन फिर एक बार उसको मैं दबा दबू के सुला दी ज़बरदस्ती, क्योंकि नीचे बिल्कुल भी सांस लेने तक का जगह नहीं थी कि वहाँ पर आप सांस ले लो। सो मिलते हैं आप लोग को दिल्ली। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं दिल्ली और मोदी जी का जाओ, मोदी जी के बाजू में हम लोग बैठे हैं। सुबह सुबह की ट्रेन थी 8 बजे की, लेकिन ट्रेन ने थोड़ा जल्दी पहुंचा दी, 6 बजे ही हम लोग यहाँ पे आ गए। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और कानू इधर आ जाओ बेटा। सोच रहे क्योंकि दोपहर की ट्रेन हमारी दूसरी ट्रेन है दोपहर की 3 बजे, तो हमारे पास काफ़ी टाइम है। तो सोचे थोड़ा सा घूमने के लिए देखते कहाँ घूमते, सबसे पहले दिए थोड़ा सा फ्रेश होंगे और सामान वामान लगे जो जमा करा देंगे, तो उसके बाद देखते कहाँ घूमते। और जो अगर आप वीडियो पहली बार है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, तो कहना एक्साइटेड हो मोदी जी को नहीं बेटा वो पार्ट नहीं है ना, नरेंद्र मोदी जी उसी के दिन जा रहे हैं। यहाँ पर कानून सब कुछ देख के बहुत खुश हो रहा है, बहुत अच्छा सो फ्रेंड्स चलिए पीते हैं चाय, और क्योंकि स्टेशन की चाय तो जानते हो आप लोग कैसी होती, तो बाहर निकलेंगे चाय व नाश्ता करेंगे, फ्रेश होंगे, उसके बाद लगे जो कि जमा करा के उसके बाद निकलेंगे घूमने के लिए। सो आगे का व्लॉग आप लोग को दूसरे वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये व्लॉग बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं आप लोग से फिर से न्यू व्लॉग के साथ।